ये जो मेन एंट्रेंस गेट है इसको बोलते हैं लाइन गेट। हाँ भाई देखना गेट कितना बड़ा सा है। इधर ये मकराना है, इससे मतलब आगरा का ताजमहल भी इसी पत्थर से बना है। रंग यूज हुए हैं, ये भी भैया ने आपको बताया ही, उसकी काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं आज भी। तो जी एंट्री लेते हैं शीश महल में। भाई पूरी गोल्ड की पेंटिंग बनी हुई है। आपके चमेली के जस्मीन के पेड़ होते थे पूरा पैलेस लगता था। दो रानियों के दो बेडरूम है, एक रानी का बेडरूम मेरा, उसका डाइनिंग हॉल उस साइड में। हाँ अभी कुछ नहीं दिख रहा है। देखो आपको स्टार दिखाई देंगे बारी बारी। मुल्तानी हम साथ साथ है, करण अर्जुन लम है, दाता झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, प्रेम रतन धन पायो, लाल बादशाह, कई मूवीज। अच्छा ये मोस्टली मूवीज शूट हुई है यहाँ पर। और पूरा ये अंदर एयर कंडीशन का काम करता था, एंड ऑल्सो जो बाकी वाटर है वो इधर से भाई ये देख सकते हो पूरा निकल के गार्डन में जाता था। पूरा झड़ा हुआ था, शानदार निकासी थी, लेकिन अपने लोग इसको उखाड़ के ले गए, इसलिए शीश महल को बंद कर दिया गया, बाहर से देखना पड़ता है। ये इंटरनली सुरंग है और ये अंदर ही अंदर 3 किलोमीटर जाती है जयगढ़ फोर्ट। अच्छा ये पूरा मतलब ये पूरा और बाहर का, ये अंदर बाहर ये पूरा एक रानी का हिस्सा है। इसमें पूरे में पर्दे लगे रहते थे और यहाँ पे भाई ये अलग अलग सबके 12 रानियों के लिए ये 12 तरीके के पूरा यहीं पे बैठती थी वो। ये यहाँ पे पूरे सर्वेंट काउंटर होते थे, अब तो फिलहाल यहाँ शॉप वगैरह खुल गई है। भाई पदम नाम सिंह जो है भाई यही लेटेस्ट आज देख सकते हो, ये ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें पूरा मतलब जो भी सोने चांदी के सामान वान रहते थे। तो जोधा अकबर में जो कढ़ाई वाला सीन है, मतलब जो खाना पकाए वो भी सब इसी में पकाया गया, जमीन में गाड़ के रखते थे ताकि पानी ठंडा रहे। जवान तोप वो भी यहीं पे ऊपर किले में रखी हुई है, बट जब अपन गए थे तो उस टाइम पे बंद था, बट फिर कभी आएंगे तो वो भी कवर कर लेंगे। ये जोधा भाई का पैलेस है, अब देख सकते हो ये मैंने उधर से, आप जब आ रहे थे पीछे से तो मैंने दिखाया था, ये जोधा भाई का पैलेस है। और ये जो आप नीचे गांव देख रहे हो ये है अमेर गांव, और ये 1000 साल पुराना गांव है पूरा। ये बाउंड्री आपको बताई थी 12 किलोमीटर। हाँ और बाकी ये जो बाउंड्री है उस टाइम मैंने आपको दिखाई थी, थोड़ा सा धुंध हो रही थी, ये पूरी ऐसे 12 किलोमीटर की बाउंड्री है भाई चारों तरफ से जो किले को कवर करती है। हाँ तो भाई देखो जब यहाँ से हमने एंट्री ली थी, और ये जो गेट है ये सूरज पोल गेट है, वहाँ से आप पैदल आओगे तो इधर से रास्ता है, और ये वाला जो गेट है जहाँ से हम लोग जीप से आए थे ये चांद पोल गेट है। बाहर से भी आपको एक बार मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई चांद पोल गेट है और यहीं से अपन ने ली थी एंट्री। तो जी अभी आ चुके हैं किले के बाहर, किला को पूरा कवर कर लिया है और अब जा रहे हैं दूसरे साइड पे, वहाँ पर भी कुछ है तो भैया बोल रहे हैं वो भी बताएंगे, एंड जीप अपनी यहीं पर आगे साइड पर खड़ी हुई है। तो चलो चलते हैं भाई, और जो बचा है वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलो जी आ चुके हैं आप किले के दूसरे पार्ट पे, और यहाँ पे बेसिकली बताया जाएगा कि रंग वगैरह कैसे बनता है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये भैया हैं, क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल, तो अगर आपको गाइड करना हो तो इनको कर सकते हो भाई, बहुत बढ़िया गाइड है, और पूरी डिटेल जो भी है किले की वो इन्होंने ही दी है। अब बाकी आपका नंबर आप बता दीजिए। 9293209 81 99 3 ठीक है। तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, और आओ भैया से मिलो और नाम बताना कि वीडियो देख के आए हैं। ठीक है भैया, चलिए ठीक, थैंक यू। तो जी आ चुके हैं बाहर, और जस्ट मेरे पीछे है ये अमेर विलेज कॉरपोरेशन, इधर किले के पीछे साइड से आए थे, और ये है शॉप अंदर। हाँ हाँ अरे तो यहाँ कौन सा अंदर कुछ बता थोड़ी ना रहे, हम तो अपना वो कर रहे हैं। अरे ठीक है यार इतना थोड़ी ना। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे शूट अलाउड नहीं है, तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा बाहर ही आ गया मैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने पूरा दिखाया कि जो रंग है वो किस तरीके से बनते हैं, और जो रंग यहाँ पे बनाए जाते हैं इनका भाई जो लाइफ है वो 200 साल की होती है। अभी जैसे हम लोग जो कपड़े वगैरह लेते हैं वो 6 महीने 1 साल में फेड हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो मतलब रंग यूज़ होते हैं वो नेचुरल वेजिटेबल्स वगैरह से बनते हैं, और प्रॉपर बना के दिखाया, बट वहाँ पे शूट वगैरह अलाउड नहीं था। और अंदर बेसिकली पूरी शॉप वगैरह है, तो अगर आप आते हो यहाँ पे तो आओ अंदर जाके देखो। यहाँ पे तो अभी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अंदर जाओगे तो यहाँ पे शूज़ चप्पल साड़ीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं,
और यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और अगर बात करें गाइड की तो भाई गाइड लेना बिल्कुल वर्थ इट रहा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी किले के अंदर। अगर मैं इस तरीके से मतलब अगर खुद से जाते तो मोस्टली जो चीज़ें वो समझ में नहीं आती, क्योंकि मोस्टली जगह वहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, बट उनने एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताई है, तो भाई वो बिल्कुल वर्थ इट था। दो किले मेरे मिस हो गए, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, बट अमेर फोर्ट में भाई बिल्कुल पैसा वसूल हो गया जिस तरीके से उन्होंने एक एक डिटेल बताई। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई गाइड लेके ही आप पूरा फोर्ट घूमो, क्योंकि आप अगर इस तरीके से अकेले जाते हो तो आपको मोस्टली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बाकी उनका जो नंबर है वो उन्होंने बता दिया है, तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई वीडियो देख के आए हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट दे भी देंगे। और ऑफिशियल जो रेट है भाई गाइड का वो 400 रुपीज़ है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट ने जो रेट तय किया 400 है। बट मैं मॉर्निंग में आया था तो भाई मॉर्निंग में उनने 300 रुपीज़ ही लिया मेरे से, बट आप रिक्वेस्ट करना, हो सकता हो आपके लिए भी 300 कर दें। अब भाई चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अपने ऑटो वाले भैया का भी कॉल आ गया है, और अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है मोती डूंगरी टेम्पल एंड बिरला मंदिर। आ गए अपने ऑटो वाले भैया के पास, और काफ़ी टाइम हो गया, भैया अभी थोड़े परेशान हो गए काफ़ी टाइम हो गया। लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं जलमहल, और मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ। तो ये है जलमहल सामने के साइड पे, और जितना ऊपर है भाई उतना ही ये नीचे है। अभी बोटिंग वगैरह नहीं हो रही है, वैसे बोट से वहाँ पे ऐसे पूरा राउंड लगा के लाते हैं, बीचों बीच पे है, बट अभी बोटिंग नहीं हो रही है। एंड ऑल्सो भाई देखना चश्मे की क्या हालत हो गई है, ये एक्चुअली मैंने पॉकेट में रख लिया था गलती से, और यहाँ से मुड़ गया, तो भाई ये तो पूरा ख़राब हो गया है। चलो जी यहाँ से निकलते हैं, अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है बिरला मंदिर एंड मोती डूंगरी टेम्पल, दोनों ही टेम्पल कवर करेंगे, और धूप बहुत ज़्यादा हो गई है अभी से, तो फटाफट कवर करके चलते हैं भाई होटल में, दोपहर में नहीं निकलेंगे, गर्मी की गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी आज के हैं मोती डूंगरी टेम्पल, और ये देख सकते हो ये है टेम्पल का रास्ता, और भाई यहाँ पे अंदर शूट अलाउड नहीं है, तो मैं जाके दर्शन कर लेता हूँ। तो भाई निकल चुके हैं दर्शन करके मोती डूंगरी टेम्पल के, गणेश जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, और मैंने अंदर का एक शॉट भी लिया है, वो आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ से जाना है बिरला मंदिर, और भाई पहुँच चुके हैं बिरला मंदिर, और ये मंदिर तो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हो यही है सामने पे बिरला मंदिर। चलो चलते हैं फटाफट दर्शन करके आते हैं, और देखते हैं अंदर शूट अलाउड होगा तो कुछ फुटेज ले लूँगा, अदरवाइज कैमरा रख देंगे। और भाई धूप जो है बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, आँखें नहीं खुल रही हैं। चलो जी यहाँ पर भी दर्शन हो गए हैं, और अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैंने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। अब निकलते हैं यहाँ से अपने होटल की तरफ, और थोड़ी देर अब रेस्ट करेंगे, उसके बाद इवनिंग में निकलेंगे, क्योंकि भाई धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक बार और यहाँ से व्यू ले लो, ये है भाई पूरा बिरला मंदिर। तो जी फाइनली निकल चुके हैं अपने होटल से, और अभी का प्लान कुछ ऐसा है, अभी चौकी डानी जाने का प्लान बन रहा था, बट भाई वो प्लान थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो अपने होटल से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और भाई वहाँ जाना आना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और कल ही अपनी ट्रेन भी है यहाँ से उदयपुर की, तो उधर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं आगे साइड से, और देखते हैं भाई यहाँ पे एक बहुत फेमस आइसक्रीम वाला है, वहाँ पे जाके आइसक्रीम लेते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत भाई मज़ेदार आइसक्रीम है वहाँ पे, कल खाया था, कल मैंने उतना व्लॉग नहीं किया, लेकिन आज मैं प्रॉपर दिखाऊँगा। पहुँच चुके हैं अजमेरी गेट, और इसके जो बगल वाला रास्ता है ये वाला, यहीं पर मिलती है वो आइसक्रीम, तो चलो चलते हैं और ट्राई करते हैं। तो भाई ये है शॉप, और ये है सारी आइसक्रीम्स। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं दोबारा ही भाई ट्रैफिक जाम ले लेता हूँ, कल भी मैंने वही ली थी और वो मेरे को ठीक भी लगी। नहीं नहीं, तो भाई लो फाइनली अपनी आइसक्रीम जो है वो आ चुकी है, और इसमें देख सकते हो काफ़ी सारी आइसक्रीम मिक्स है। काम करता हूँ भाई, मैं खा लेता हूँ, उसके बाद ही आपको बताता हूँ कैसी है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी है और एक आपको ब्लॉग हो नहीं पाएगा। तो जी अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आइसक्रीम खा के निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं डिनर करने, और डिनर करके भाई जाएंगे होटल, पैकिंग वैकिंग भी करनी है, क्योंकि
एक ही दिन मतलब आज ही का दिन है और कल अपनी ट्रेन है यहाँ से उदयपुर की, तो अपने को नहीं चाहिए कि कोई भी चीज़ एंड टाइम पे हो, तो फटाफट सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। लो जी फाइनली आ चुके हैं होटल, और भाई आइसक्रीम खाने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया। उसके बाद डिनर करने गए थे बट वहाँ पर भी मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब कुछ सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गलतियाँ मैंने की है वो गलती आप बिल्कुल मत करना। मैंने इस ब्लॉग में शायद बताया होगा कि भाई किसी ने तो मेरे से बोला था कि फोर्ट जल्दी खुल जाता है, उस टाइम पर मुझे याद नहीं आ रहा था, बट अभी जस्ट मैं बैठा हुआ था एकदम से मेरे माइंड में आया कि कल मेरे से बाइक जब मैं रेंट करने गया था उन्होंने बोला था कि फोर्ट जो है सुबह 7 बजे तक खुल जाता है। तो उसके चक्कर में हमने जो ऑटो बुक किया था क्योंकि बाइक हमने कैंसिल कर दी थी, उनको हमने बुला लिया जल्दी मॉर्निंग में 6 बजे। अब भाई 6 बजे यहाँ पे आ गए वो, 1 घंटे में हम फोर्ट पे पहुंच गए थे। सबसे पहले हम गए थे नाहरगढ़ फोर्ट में। भाई जैसे ही पहुंचते हैं वहां पता चलता है कि भाई वो तो खुलेगा 10 बजे। वहां पे एक सनराइज पॉइंट था, वो हमने थोड़ा सा कवर किया, एक दो फोटो क्लिक की और वहां से हम फिर निकल गए जैगर फोर्ट के लिए। जैगर फोर्ट पहुंचे भाई, वहां पे पता चलता है कि वो खुलेगा 9 बजे। मतलब ये जो दोनों फोर्ट थे ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो कि उस बाइक वाले ने मेरे को दी थी, दोनों अपने फोर्ट मिस हो गए। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई किसी और के मिस इन्फॉर्मेशन से आप किसी और से इन्फॉर्मेशन लेके और जाओ और इस तरीके से आपने देखा ही आज मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा आपके साथ ना हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अपनी रिसर्च करके जाओ, ऐसे किसी से और से आप पूछोगे, हर कोई अपनी अपनी राय देता है। जबकि भाई वो बंदा यहाँ का लोकल था, उसके बाद भी उसने ठीक से गाइडेंस नहीं दी, तो ये मेरी गलती थी कि मैंने उनकी बात मान ली। अगर मैं अपनी थोड़ी सी और रिसर्च कर लेता तो शायद आज जो मेरे साथ हुआ वो ना होता। उसके बाद आते हैं आमेर फोर्ट पे। आमेर फोर्ट आते आते भाई 9 बज चुका था और आमेर फोर्ट भी मॉर्निंग में 9 बजे खुल जाता है। उसके बाद वहां पे हमने जीप की, दो तरीके से आप जा सकते हो, मैंने आपको बताया था, बेसिकली 3 तरीके से आप जा सकते हो। सबसे पहला, या तो आप पैदल सीढ़ी चढ़ के जाओ 900 स्टेयर से, ऐसा वहां पे जो गाइड है उन्होंने बताया। दूसरा, आप हाथी करके जा सकते हो जिसका 1100 रुपीज वन साइड का फेयर है, वो वापस नहीं लाते हैं, सिर्फ आपको वहां पे छोड़ेंगे। और थर्ड जिससे मैं गया था वो है जीप, जो कि 450 रुपीज है जिसका चार्जेस, और वो आपको बेसिकली आमेर विलेज से पीछे साइड से लेके जाएगी और बीच में दो जगह पड़ती है, एक कोई मंदिर है मैं डाल दूंगा और एक और प्लेस है उसका भी मुझे नाम नहीं आता, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो वो दोनों प्लेस बिल्कुल जस्ट बगल बगल में ही है, और पीछे से जो रास्ता है वो बेसिकली 2 या 2.5 किलोमीटर का होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन एक तरीके से वो विलेज के अंदर है और वो जो विलेज है वो भाई 1000 ईयर्स पुराना है, तो एक अलग ही एडवेंचर है। और वहीं पे जोधा भाई जो है उनका ससुराल भी था, तो वो भी रास्ते ही में पड़ेगा, वो भी आप देख सकते हो। बाकी बात करें अगर गाइड की, तो भाई गाइड लेना बिल्कुल वर्थ लगा मुझे, क्योंकि 2 फोर्ट अपने मिस हो गए थे तो बहुत ज़्यादा मूड खराब था और मुझे नहीं चाहिए था कि भाई इस फोर्ट में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो, तो भाई मैंने गाइड ले लिया। वैसे तो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे चार्जेस रखे हैं वो 400 है, बट मॉर्निंग का टाइम था तो वो जो भैया हमें मिले थे उन्होंने हमें 300 रुपीज लिया और पूरा फोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। अगर गाइड ना करते तो भाई इतनी जो उन्होंने डिटेल बताई वो पता ना चलता, क्योंकि गूगल पे भाई आप चाहे जितना भी सर्च कर लो लेकिन वो डिटेल नहीं रहती है जो एक एक डिटेल गाइड बताते हैं, तो वो बिल्कुल वर्थ रहा। उनका नंबर भी आपको पता चल ही गया होगा, मैंने वो क्लिप भी डाली है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो उनको आप कॉल कर लो और उनको आप बता सकते हो कि वीडियो हमने देखा था आपका, उसके थ्रू हम आए हैं, तो शायद वो आपको भी डिस्काउंट दे दें। उसके बाद रास्ते में अपना पड़ा था जल महल, मोती डूंगरी टेम्पल एंड बिरला मंदिर, ये तीनों प्लेसेस भी हमने कवर की थी। तो ओवरऑल भाई आज का जो अपना प्लान था वो उतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, मॉर्निंग में 2 फोर्ट छूट गए, बाकी जो सारी प्लेसेस थी वो अच्छे से कवर हुई और अब कल अपने को निकलना है यहाँ से उदयपुर। तो बस इस व्लॉग को यहीं पर रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और लास्ट में बस मैं समराइज करके इतना बोलना चाहूंगा कि अपनी खुद की रिसर्च करके जाओ, किसी और की बातों में मत आओ, वरना वही होगा आपके साथ जो आज मेरे साथ हुआ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, सी यू, टाटा बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी यू, गुड बाय। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जो है कल से उदयपुर की ट्रिप शुरू होने वाली है। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।